कठोर जल के मृदुकरण की आधुनिक विधियां। कठोर जल जिसमें अधिक मात्रा में लवण पाए जाते हैं का मृदुकरण आमतौर पर दो विधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से एक विधि विपरीत परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस RO है। आप जानते हैं कि जब दो विलयनों के बीच एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है तब तनु विलयन से विलायक के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है, लेकिन विपरीत परासरण में उच्च दाब का उपयोग कर सांद्र विलयन कठोर जल से पानी के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से पार कराया जाता है, जिससे झिल्ली के दूसरी ओर हमें शुद्ध जल प्राप्त हो सके। इस प्रकार अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग कर कठोर जल से लवण के अणुओं को पृथक किया जाता है। हालांकि इस विधि में अधिक मात्रा में पानी व्यर्थ हो जाता है। दूसरी विधि में कठोर जल को आयन विनिमय रेजिन का उपयोग कर मृदु किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोडियम आयन युक्त रेजिन रंध्र युक्त पदार्थ के उपयोग द्वारा कठोर जल को छाना जाता है। जब कठोर जल रेजिन से गुजरता है तो जल में उपस्थित Ca2+ और Mg2+ आयनों का विनिमय रेजिन के Na+ आयनों के साथ हो जाता है। अतः प्राप्त जल Ca2+ और Mg2+ आयनों से रहित होकर मृदु जल हो जाता है। इस प्रक्रिया में Na+ आयन की मात्रा कम होने पर समय समय पर रेजिन को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। 17.1.4 पीने योग्य जल पोटेबल वाटर। पीने का जल स्वच्छ रंगहीन गंधहीन और रोगाणु रहित होना चाहिए। इसमें शरीर के लिए आवश्यक विलेय लवणों की मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए। उपलब्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल शुद्धिकरण संयंत्रों में आवश्यकतानुसार फिटकरी विरंजक चूर्ण लाल दवा पोटेशियम पर मैग्नेट क्लोरीन मिलाकर या पराबैंगनी किरणों आदि से शोधन किया जाता है। प्रायोगिक कार्यों में गाड़ियों की बैटरी एवं मेडिकल क्षेत्रों में आसूत जल डिस्टिल वाटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अपने विद्यालय की प्रयोगशाला के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर आसूत जल बनाइए। 17.1.5 उपयोग यूसेज। पहला, जल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। दूसरा, कृषि में जल अति आवश्यक है। तीसरा, जल का उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है, मुख्यतः वस्त्र उद्योग पेपर उद्योग खनन आदि में। चौथा, कपड़े धोने एवं साफ सफाई के लिए जल का उपयोग किया जाता है। पांचवा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसका उपयोग भाप इंजन बॉयलर कूलर आदि में होता है। 17.1.6 जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन। जल के उपरोक्त उपयोगों उद्योग धंधों और साफ सफाई के कारण उसमें कुछ अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं। साथ ही ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण भी जल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तब ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है, जिससे जल उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। जल प्रदूषण। जल में ऐसे हानिकारक पदार्थों का मिल जाना जो पृथ्वी पर जनजीवन को प्रभावित करते हैं, जल प्रदूषण कहलाता है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण जल दिन प्रतिदिन अधिक प्रदूषित होता जा रहा है। कुछ क्रियाकलाप ऐसे हो सकते हैं, जैसे घरों से निकलने वाले कचरे को पानी के विभिन्न स्रोतों में डाला जाना, बहुत सारे लोगों द्वारा अपने घरेलू क्रियाकलाप जैसे नहाना कपड़े धोना बर्तन धोना आदि भी जल के विभिन्न स्रोतों में करना, औद्योगिक अपशिष्टों का बड़ी मात्रा में जल में प्रवाहित करना भी जल प्रदूषण का एक कारण है।
इस प्रकार के प्रदूषित जल का उपयोग मनुष्यों में विभिन्न बीमारियों जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया को जन्म देता है। प्रदूषित जल जलीय जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हमें यह निश्चय करना चाहिए कि हम जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। घरेलू क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना आदि नदियों, झीलों, तालाबों में नहीं करना चाहिए। घरेलू कचरे को जल के विभिन्न स्रोतों में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने के पूर्व उपचारित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण के अन्य कारणों से भी आप परिचित हैं। आपके क्षेत्र में जल को प्रदूषित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण का उत्तरदायित्व भी हमारा है। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योगों में जल शुद्धि संयंत्र लगाना अनिवार्य किया जाए। दूसरा, घरेलू साफ सफाई से निकलने वाला जल एवं मलवाहित जल को उपचारित करके ही नदी नालों में प्रवाहित किया जाए। तीसरा, हानिकारक कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग किया जाए, इनके अधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। चौथा, मानवीय क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़े धोना, पूजा सामग्री का विसर्जन, शवों का नदी में बहाना, मृत व्यक्तियों की राख, अस्थि का विसर्जन आदि भी जल को प्रदूषित करते हैं। अतः इन क्रियाकलापों पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए।